फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ स्टाइल बाय रंजना में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं इसे शूट कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में वॉइस ओवर करके मैंने अपलोड की थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ रेगुलर फिर से वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो इसलिए बहुत दिनों बाद आज आपको फिर से इस तरह की वीडियो में मैं दिखूँगी। और आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ये आज की जो मेरी वीडियो है वो बालों के लिए, और जैसे कि बालों की प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका तो सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी हेल्दी डाइट लीजिए। अपनी डाइट में विटामिन्स, कैल्शियम्स, जैसे कि अभी गर्मी आ गई है तो इसमें आप दही लीजिए, छाछ लीजिए, इसका यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें ना दही में कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ होता है। तो हमारी बालों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, तो वो अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। पानी, भरपूर पानी पीजिए। दिन भर में करीब से 10 से 12 ग्लास पानी आपको पीना है। और पानी की कमी वैसे भी गर्मी में नहीं होनी चाहिए, और पानी बालों के लिए भी अच्छा होता है। पानी आप मतलब टोटली पानी अच्छा पियेंगे तो स्किन भी आपकी ग्लो करेगी, तो इसके लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है बालों की प्रॉब्लम में, आप ब्लड चेक करवाइए। इसमें थायराइड, विटामिन्स जो होते हैं वो चेक करवाइए, आयरन चेक करवाइए, सारी चीज़ें चेक करवा लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो जो हम घर में हमारी रेमेडीज यूज़ करते हैं उससे भी हम बालों को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्लड चेक ज़रूर करवाइए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो आज मैं आपके जो बताने वाली हूँ वो एक मैंने हेयर टॉनिक कह लीजिए, इसे हेयर सीरम कह लीजिए, वो बनाया है। इसके लिए ना मैंने सबसे पहले जो लिया है वो लिया है मेथी दाना। जैसे कि मेथी दाना आप सब जानते ही हैं, मेथी दाना हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों में जो ना ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, स्केल्प को मजबूत करता है, और इसको आप ऑयल वगैरह में भी यूज़ करेंगे ना तो भी आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच। मैंने क्वांटिटी 2-2 चम्मच ली, लेकिन मुझे लगा ज़्यादा है, तो आप 1-1 चम्मच भी लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जो वो मैंने 2-2 चम्मच भी खोया था ना, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था वो। तो आप 1-1 चम्मच ही लीजिए। अगर आपके बालों की लेंथ मेरे बालों के बराबर ही है तो आप 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स। जैसे कि फ्लैक्स सीड्स बालों के लिए शाइन प्रोवाइड करती है, बालों में स्ट्रेंथ, बालों की जो मजबूती है ना उसको मजबूत करती है। तो फ्लैक्स सीड को आप चटनी वगैरह बना के भी खा सकते हैं, और इस बालों में इस तरह जेल फॉर्म में भी हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-2 चम्मच के करीब मेथी दाना, फ्लैक्स सीड और राइस, जैसे कि राइस बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए, स्किन के लिए। राइस वाटर चल रहा है अभी, राइस वाटर का आप चेहरे पर स्प्रे कीजिए तो ग्लो आएगा, और बालों में स्प्रे करेंगे तो बालों में शाइन आएगी, मजबूती आएगी। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें ले लेनी है, मेथी दाना, फ्लैक्स सीड और चावल। सिंपल सी बात यह है कि हमको मेथी दाना, फ्लैक्स सीड और चावल तीनों ले लेने हैं, तीनों को हमको ले लेने हैं। और उसको हम एक बर्तन में भिगो देंगे, और उसको रात भर के लिए आपको इसको भिगो के रखना है, और पानी आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है कि अच्छे से पूरे जो हमने जो क्वांटिटी में जो सामान लिया है वो अच्छे से उसके अंदर डूब जाए, मतलब पूरा प्रॉपर ऊपर तक भर जाए, क्योंकि ये फूलेंगे तो आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, और जब ये फूल के बड़े होंगे तो पानी आपको कम हो जाएगा, इसलिए आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। कम से भी कम आपको 1 ग्लास पानी तो इसके अंदर ऐड करना ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच के लिए 1 ग्लास पानी, और 1-1 चम्मच के लिए अगर आप लेते हैं तो 1/2 ग्लास पानी काफ़ी है। इन तीनों चीज़ों को लेके मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था, और रात भर भिगोने के बाद जब सुबह मैंने इन्हें चेक किया तो ये अच्छे से फूल गए थे, और इसकी जो सारी गुडनेस है, जो सारी इसके मिनरल्स है, विटामिन है, वो उस पानी के अंदर आ गए हैं। तो अब हमको क्या करना है कि इस पानी को हम छान लेंगे अलग से। तो आप इस पानी का यूज़ इस तरह भी कर सकते हैं कि स्प्रे बोतल लेके आप अपने बालों में इसको स्प्रे कर दीजिए जब भी, और आप नहाने से 2 घंटे पहले स्प्रे कीजिए। अगर आप 1-2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो फिर आपके बाल ना हार्ड से मतलब फ्रिजी से हो जाएंगे। मैंने क्योंकि यूज़ करके देखा है, मैंने देखा कि अगर मैं 1 दिन रखती हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो होता क्या है ना, उसके अंदर से बाल, मेथी दाना और ये जो होते हैं ना, उससे बाल आपके बहुत ऐसे फ्रिजी से
और इस हार्श से हो जाएंगे, तो आप 2 घंटे पहले यूज कीजिए। जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले ही आप इसे स्प्रे अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। और स्प्रे करने के बाद उसे छोड़ दीजिए, बांध दीजिए और 2 घंटे के बाद स्प्रे आप हेयर वॉश कर लीजिए। तो इसलिए मैंने एक बोतल में अलग भर के रख लिया था थोड़ा सा पानी, और उसको मैं स्प्रे कर लेती हूँ नहाने से पहले। और जो बाकी जो हमने बनाया उसको हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कोई भी पेन, कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें हम फिल्टर वाटर डालेंगे। आप फिल्टर वाटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास के करीब जो है फिल्टर वाटर डाल दिया, और जो बाकी जो पानी बचा था छानने के बाद स्प्रे बोतल में निकालने के बाद जो पानी बचा था वो पानी मैंने उस पैन में डाल दिया है। और जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, बॉईल एक बॉईल आने लग जाएगा, उसके बाद जो हमने मेथी दाना, फ्लैक्स सीड, राइस जो भिगोए थे उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जेली फॉर्म में नहीं मिल जाए। तो करीबन आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। और आप चेक भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा जेली टाइप से आपका जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको तैयार करना है, और वो जेली के फॉर्म में आपको मिश्रण ये मिल जाएगा। तब आपको गैस की फ्लेम कर देनी है ऑफ, और उसके बाद इसे हम छान लेंगे। और हम इसे गरम गरम ही छानेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये जेली पूरी जम जाएगी और ये छनने में बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इसको गरम गरम ही तुरंत ही छान लीजिए, और छानने के बाद छानने के बाद फिर ठंडा होने दीजिए। फिर ठंडा होने के बाद आप जब नहाने जाएंगे तब आप इसमें अपना कोई सा भी शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो इसमें मिक्स कर दीजिए और उससे अपने हेयर वॉश कीजिए। और हेयर वॉश करने के दो मतलब लगाने के बाद ना 2 मिनट तक अपने बालों में अच्छे से हल्की हल्की मसाज कीजिए, जिससे हमारे स्केल्प में, हमारे बालों में जो भी गंदगी होगी, जो भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा अच्छे से। तो आपको 2 मिनट के लिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है, और फिर उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना है। और हेयर वॉश करने के बाद आपको आप जो भी सीरम लगाते हैं, जो भी कुछ लगाते हैं अपने बालों में वो लगा लेना है। और बाल सूखने के बाद अपने बालों को कॉम कीजिए और हल्के हाथों से बालों को सुलझाइए। और आपके आप देखेंगे कि 1-2 बार यूज में ही ना आपके जो बाल हेयर फॉल होता है वो बंद हो जाएगा। और आप इसे वीक में कम से कम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1 बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं वीक में 1 बार ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं 2 बार भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन बाल इससे, मुझे क्या लगता है कि बालों में मेरे शाइन तो आई, लेकिन थोड़ा सा फ्रिजी जैसा हो गया। शायद मैंने उसमें ऑयल मिक्स नहीं किया था, तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर दीजिए। ऑयल मिक्स करेंगे ना तो आपके बाल ऐसे फ्रीजी से नहीं होंगे। मेरे बालों में शाइन आ गई, एक भी बाल टूटा भी नहीं, लेकिन वो जो बाल सूखने के बाद ना एकदम फ्रीजी फ्रीजी से हो गए। तो आप जब भी आप मिश्रण में शैम्पू डालेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा 2-5 बूंदे ऑयल की भी मिक्स कर दीजिए, तो आपके बाल फिर फ्रीजी नहीं होंगे और स्मूथ शाइनी बाल हो जाएंगे। तो यूज़ करके देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए, हेयर फॉल कंट्रोल होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।